शुरू होती है जैक से, जो कि बदले की आग में जल रहा है। उसकी एज 34 है और उसने बैटल फील्ड पे सबको मार दिया है। डेड बॉडीज के बीच बैठ वो सोच रहा है कि वो कभी भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता था। अगर उसने स्वॉर्डमैनशिप पहले सीख ली होती तो वो अपनी बहन को बचा लेता एंड वो कभी भी ऐसा मॉन्स्टर ना बनता जो वो आज है। वो अपनी डीमन मास्टर को याद कर उनका शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने उससे वो सब कुछ सिखाया एंड जिंदा रहने की होप दी। तभी वहाँ एक यंग लड़का आता है जिसका नाम भी जैक है और वो मॉन्स्टर जैक को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके फादर का मर्डर किया है। जैक बताता है कि उसके रिलेशंस उसके फादर से अच्छे नहीं थे बट वो तब भी उन्हें अपनी लाइफ में चाहता था। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर जैक उसे चांस देता है कि वो उसे मार दे और अपना रिवेंज ले ले। जैक कोशिश तो करता है बट उसके पास किसी की लाइफ लेने का करेज नहीं है। वो मॉन्स्टर के सामने बैठ रोने लगता है। मॉन्स्टर जैक कमजोर हो रहा था एंड अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में वो जैक से कहता है कि वो जाके सबको बता दे कि वॉर खत्म हुई एंड मॉन्स्टर जैक मर चुका है। जैक अपने सेंसेस खो रहा था एंड लास्ट में यही विश करता है कि अगर वो वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाए तो शायद उसकी लाइफ इस तरह एंड नहीं होगी एंड वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर पाएगा। जैक को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। हम उसकी लाइफ के बारे में जान पाते हैं। जैक के फादर ने उसे कभी भी अपने बेटी की तरह नहीं समझा जिससे जैक को उनपे शक था कि वो सच में उसके बायोलॉजिकल फादर है भी या नहीं। जैक ने अपनी माँ को केवल पिक्चर्स में ही देखा था। जैक की एक बड़ी बहन है जिसे वो एम्पायर जाने से नहीं बचा पाया जहाँ उसे बहुत परेशान किया गया। इन सभी इवेंट्स के बाद जैक एक मर्सिलेस मॉन्स्टर बन गया जिसने अपने रिवेंज के लिए टेल्कन एम्पायर जो कि सबसे फेमस एंड पावरफुल एम्पायर था उसे डिस्ट्रॉय किया एंड वो सभी लोग जो टेल्कन एम्पायर से जुड़े थे उन्हें मार डाला। जैक रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि जैक वापस पास्ट में आ चुका है एंड उसे इसका विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वापस 14 साल का हो गया है। जैक अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। जैक का पूरा नाम जैक वैलेंटियर है। वो मार्की हाउस ऑफ वैलेंटियर का सबसे छोटा बेटा है। उसके फादर उसे क्रैश समझते हैं। उसका बड़ा भाई जो कि उसके फादर की सेकेंड वाइफ का बेटा है हमेशा उसे बुली करता है एंड उसे चैन से जीने नहीं देता। उसकी सगी बड़ी बहन एलिजाबेथ ही केवल उसकी केयर करती है। एक दिन जैक रोज गार्डन में बैठा था जिसे वो एग्जाइल कहता है क्योंकि उस जगह का काम हमेशा उसे बुली करता है एंड उसे चैन से जीने नहीं देता। उसकी सगी बड़ी बहन एलिजाबेथ ही केवल उसकी केयर करती है। एक दिन जैक रोज गार्डन में बैठा था जिसे वो एग्जाइल कहता है क्योंकि उस जगह का काम उसे बाकी लोगों से दूर रखने का है जहां गार्ड्स उस पर हर समय नजर रखते हैं। जैक को किसी भी गार्ड पर विश्वास नहीं था बट एक इंसान था जिस पर वो आंख बंद कर ट्रस्ट करता था, रॉन, जो कि मार्की हाउस ऑफ एलेंडियर का बटलर है। जैक मार्की हाउस का सक्सेसर नहीं बनना चाहता था और इसलिए वो सेफ था बट उसके बड़े फेलॉन वैलेंटियर ने कभी भी उसे मैजिक नहीं सीखने दिया और इसलिए 14 की एज में भी उसकी बॉडी में मैना नहीं है। जैक रॉन का लाया हुआ जूस पी रहा था तभी फेलॉन आता है एंड उसके सर पर मारता है। जैक को अपनी लास्ट लाइफ के इवेंट्स याद आ जाते हैं एंड उसकी हेट्रेड जाग जाती है। फेलॉन जैक को उसे ग्रीट करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका सेकेंड ब्रदर है। जैक को अपनी लास्ट लाइफ के मोमेंट्स याद आते हैं जिसमें फेलॉन ने उस पर पानी डाल दिया था एंड कहा था कि अगर उसने स्वॉर टेक्निक्स या मैजिक सीखा तो वो उसे मार देगा। जैक की बड़ी बहन एलिजाबेथ जो कि उसे बहुत प्यार करती थी वो सक्सेसर नहीं बन सकती थी एंड उसकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड है कि उसे शादी कर मार्की हाउस की इज्जत बढ़ानी होगी। फेलॉन एलिजाबेथ को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहता था। ये सब सोच जैक को गुस्सा आता है। लास्ट लाइफ में वो कुछ नहीं कर सका बट अब वो फेलॉन को सबक सिखाना चाहता था। फेलॉन उसे पंच करने आता है बट वो डॉज कर उसे दूर फेंक देता है। फेलॉन ये देख कि जैक उससे फाइट कर पा रहा है अपनी स्वॉर्ड निकालता है बट रॉन वहाँ आता है एंड फेलॉन से मैजिक अटैक न करने की रिक्वेस्ट करता है। फेलॉन रॉन को पंच करता है एंड जैक को मारने की धमकी देता है जिस पर जैक फेलॉन से कहता है कि क्या उसे केवल बातों से लड़ना आता है। फेलॉन जैक पर स्वॉर्ड से अटैक करता है बट उसे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता था। जैक उसके अटैक को डॉज करता है एंड समझ जाता है कि फेलॉन का मैजिक लेवल 3rd सर्कल पर है और उसे पुश करता है। जैक फेलॉन से उस पर किए हुए टॉर्चर का बदला लेना चाहता था। सोल्जर्स जो वहाँ उन्हें देख रहे थे उन्हें रोकने के लिए बढ़ते हैं बट जैक उन्हें बीच में न आने के लिए वार्न करता है। वो फेलॉन को पॉन्ड के पास ले जाता है जिसमें वो उसका सर डुबोता है। फेलॉन के मुंह पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैक याद करता है कि कैसे उसकी प्यारी बहन की शादी 4th इंपीरियल प्रिंस से हो जाती है जो कि उसे मिस्ट्रीट करता है एंड शादी को फेक बताता है और उसे स्लेव बनाकर रखता है। फेलॉन सक्सेसर बनने के लिए अपने फादर का भी मर्डर कर देता है एंड धीरे धीरे पूरा मार्की हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैक फेलॉन को पानी में डुबोते हुए उसे फैमिली की वैल्यू समझाता है। वो उसे पंच करने जा ही रहा होता है बट रॉन के कहने पर फेलॉन को छोड़ देता है और उसका सर फोड़
छोड़ देता है। इसके बाद सोल्जर्स फेलोन को मैंशन में ले जाते हैं, जहां उसकी माँ उसे इस हाल में देखकर घबरा जाती है। केवल उसकी माँ ही नहीं बल्कि मैंशन के सारे लोग ये जानना चाहते थे कि फेलोन का ये हाल कैसे हुआ। फेलोन मार्की हाउस का सक्सेसर है, बट इस इंसिडेंट के बाद उसे पानी से डर लगने लगता है एंड उसकी कंडीशन भी बहुत बुरी है। मैंशन में ये र्यूमर है कि फेलोन की ये हालत जैक ने की है।